अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका असलम विलोगर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, यह वीडियो काफ़ी ख़ास है, तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। यह हमारे गांव की 20 साल पुरानी मस्जिद है, खुदा का घर। वर्तमान में हमारी मस्जिद की कैसी स्थिति है इस वीडियो के माध्यम से आप देखोगे, और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ सकती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे आप ये बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलो देखते हैं 20 साल पुरानी मस्जिद हमारे गांव की। अभी मैं इस मस्जिद के अंदर आ चुका हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, वो सब कुछ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो वर्तमान में मस्जिद में मौजूद है। अल्लाह का घर इबादत के लिए होता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। बस अपना भाई समझकर इस वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर करें, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कसम मेरे भाई। चूल्हा बना रखा है रोटी बनाने के लिए, और दोस्तों यहाँ पर सामने एक रूम है, ये वो रूम है जिसमें हमारी मस्जिद में रहने वाले मौलवी साहब रहते हैं। इसे हमारी मेवाती लैंग्वेज में हुजरा कहा जाता है, और ऊपर टीन शेड लगा रखी है। दोस्तों सामने की तरफ तीन दरवाजे बनाए गए थे। अल्लाह का घर, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दीवारों में सामने की तरफ इस तरह की पेंटिंग्स लगाई जाती हैं जिनमें इस्लामिक तस्वीरें सजाई जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 2002 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों के सामने है। ये वो स्पीकर हैं जिसमें मौलवी साहब अजान देते हैं, तो इन स्पीकरों के ज़रिए अजान की आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देती है। यह हमारा गांव है, बायला कबास, छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। यहाँ से लेकर ये जो एरिया है इसमें हमारे सभी मेवाती मुस्लिम भाई रहते हैं। तो चलो अब चलते हैं मस्जिद के अंदर और देखते हैं 20 साल प्राचीन मस्जिद में आज क्या कुछ मौजूद है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर मौलवी साहब जमात करवाते हैं। मौलवी साहब इस जगह पर खड़े होकर नमाजियों को नमाज पढ़ाते हैं। अंदर का कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पर फरश और एक कूलर जो काफ़ी पुराना है। गांव के लोगों ने यहाँ पर ये जो छत आप देख रहे हो दोस्तों, इस मस्जिद के बिल्कुल पास में इससे काफ़ी बड़ी मस्जिद का निर्माण किया, और इसे करीब छः सात साल हो चुके हैं। तो चलो अब आपको नई मस्जिद दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत। इसमें हमारे गांव के लोगों ने काफ़ी पैसा लगाया है। ये जो विंडो है ना, इसमें कूलर लगा रखा है क्योंकि गर्मियों के मौसम में भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए विंडो को यहाँ से तोड़कर थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की तरफ एक कूलर लगा रखा है। और ये जो टंकी है प्लास्टिक की है, इसमें पानी गर्म किया जाता है क्योंकि नमाजियों को काफ़ी तकलीफ़ होती है भाई ठंड के मौसम में, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा
हो जाता है। तो भाई वजू करने में काफ़ी परेशानी होती है ठंडे पानी से, इसलिए हमने भाई यहाँ पर छोटी सी टंकी का निर्माण कर रखा है। निर्माण तो नहीं लेकिन भाई ईंटें जमा रखी हैं, नीचे देख सकते हैं कुछ ईंटें हमने जमा रखी हैं और प्लास्टिक की छोटी सी टंकी यहाँ पर रख रखी है। इसमें गर्म पानी किया जाता है वजू करने के लिए। तो अब चलते हैं नई मस्जिद में और आपको दिखाता हूँ हमारे गांव की नई मस्जिद जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। सर्दियों के मौसम में वजू करने के लिए हम अक्सर मोटर चला लेते हैं जिससे गर्म पानी आता है। तो पूरा सिस्टम मौजूद है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये गांव के लोगों का प्यार और सपोर्ट है। गांव के सभी लोग मस्जिद में पैसे देते हैं और भाई गांव के सभी लोग हमारे जो मेवाती मुस्लिम भाई हैं सभी लोग मिलकर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मिलकर रहना भी चाहिए क्योंकि सुकून मिलता है नमाज पढ़ने से और खुशी मिलती है एक साथ रहने से। 1 2 3 तो चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। अंदर जाने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ गाइज, हमारे गांव की मस्जिद में 4 दीवारी कर रखी है। आप लोगों के सामने सब कुछ मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ देखें, ये बाउंड्री है भाई, बिल्ली या फिर कुत्ते मस्जिद में नहीं आ सकते, ये बाउंड्री का फ़ायदा है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर गुसलखाने बनाए गए हैं, नहाने के लिए हमाम घर मौजूद है। एकदम मखमली फर्श यहाँ पर बिछाई गई है और ये वो कूलर है जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्लास्टिक की कुछ फर्श मौजूद हैं लेकिन गांव के लोगों ने ज़्यादातर मखमली फर्श खरीद रखी हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, इस पर कुरान शरीफ रखी जाती है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर इन अलमारियों के अंदर कुछ इस्लामिक किताबें रखी जाती हैं। दोस्तों ये जो अलमारी बना रखी हैं इनके अंदर कुछ इस्लामिक किताबें सजाकर इस प्रकार से रखी गई हैं और ये सभी बुक्स उन बच्चों की हैं जो मस्जिद में पढ़ने के लिए आते हैं। मौलवी साहब छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। यहाँ पर ये जो किताब है इसे आप देख सकते हैं, इस पर क्या लिखा है, कुरान करीम के अंतिम 3 पारों की तफसीर मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण अहकाम व मसाइल। तो गाइज
ये जो किताब है इसमें बहुत कुछ है, पहले ही पेज पर लिखा है। मेरे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अल्लाह आप पर दया करें। ज्ञात होना चाहिए कि हमारे ऊपर चार मसाइल का सीखना अनिवार्य है, जायज है। पहला, इससे मुराद अल्लाह ताला का ज्ञान, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्ञान और इस्लाम धर्म का ज्ञान है, क्योंकि बिना ज्ञान और जानकारी के अल्लाह की इबादत करना वैध नहीं, और जो आदमी ऐसा करता है उसका अंजाम गुमराही और पथ भ्रष्टता है, और ऐसा करने में वह ईसाइयों की छवि अपना रहा है। दूसरा अमल, जिस आदमी ने ज्ञान प्राप्त किया और उसके अनुसार अमल नहीं किया, उसने यहूदियों की मुसाहबत अपनाई, क्योंकि उन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया किंतु उसके अनुसार अमल नहीं किया, तथा शैतान के हीलों में से एक हीला यह भी है कि वह आदमी के दिमाग में ये वहम डालते हुए उसे ज्ञान से घृणा दिलाता है कि वह ऐसी अवस्था में अपनी अज्ञानता के कारण अल्लाह के यहाँ माजूर क्षमे समझा जाता है, हालांकि उसे नहीं मालूम कि जिस मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करना संभव है और उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उस पर हुज्जत कायम हो गई। और यही हिला नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी था, जिस समय उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया ताकि उन पर हुज्जत कायम न हो। तीसरा, दावत, जो कुछ धर्म ज्ञान आपने सीखा है उसकी और दूसरों को दावत देना, यानी कि जो कुछ आप लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा है, कुरान शरीफ से सीखा है, अपने बुजुर्ग लोगों से सीखा है, दोस्तों मेहरबानी करके जो कुछ आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से, कुरान शरीफ से, अपने धर्म से सीखा है, मेहरबानी करके आप उसे अपने बच्चों के साथ शेयर करें या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा इस किताब में लिखा है। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तब बताऊंगा, क्योंकि अब टाइम हो चुका है अजान का और नमाज होगी, अब टाइम बहुत कम बचा है। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, कुरान शरीफ और कुछ इस्लामिक किताबों में कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, ये नई मस्जिद है, यहाँ पर सामने मौलवी साहब, गांव के जो नमाजी हैं वो मौलवी साहब के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मौलवी साहब यहाँ पर खड़े होकर अपने नमाजियों को नमाज अदा करवाते हैं।
हाँ जी, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, सच बताना कमेंट करके। लव यू ऑल। मेरे भाइयों, बस आपको एक काम करना है, ये खुदा का घर है, अगर कुछ भी अच्छा लगे ना इस वीडियो में तो भाई इस वीडियो को शेयर करें। भाइयों, मैं असलम व्लॉगर चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा। रुको भाई, अभी जाना मत, आप लोगों से कुछ कहना है, आखिरी बातें। देखो भाइयों, मैं हूँ असलम व्लॉगर फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इंडिया से। आई एम इंडियन मेवाती मुस्लिम। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना और इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ठीक है। आपको सबसे पहले अगर मेरी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है, जो घंटी है ना, उस पर भी क्लिक कर दो यार, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको।